हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के अपडेट के बारे में। नो वे होम की हाइप इतनी हो चुकी है कि रोज कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है। तो फर्स्ट अपडेट की बात करें तो इस मूवी का रन टाइम की तो रिपोर्ट के हिसाब से इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 28 मिनट 1 सेकंड का होने वाला है। और ये मूवी हमारे इंडिया में एक दिन पहले यानी कि 16 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली है। ये इंडियन फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है। और थर्ड अपडेट की बात करें तो रिपोर्ट के हिसाब से इस मूवी में डेयरडेविल के रोल में चार्ली कॉक्स नजर आने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि डेयरडेविल एक वकील है और पीटर पार्कर के वकील के रोल में उनका एक कैमियो होने वाला है। और हॉलीवुड के रिपोर्टर्स के हिसाब से 3 स्पाइडरमैन सिर्फ 30 मिनट्स के लिए ही नजर आने वाले हैं। वो मूवी के क्लाइमैक्स में नजर आएंगे। इस हिसाब से स्पाइडरमैन की कॉन्फर्मेशन हो जाती है। ये सही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।